गिलोय एक ऐसे चमत्कारी पौधा है जो सभी तरह के मर्ज का दवा माना जाता है। गिलोय को अमृत समान वनस्पति माना जाता है। आयुर्वेद किताब के अनुसार गिलोय का काढ़ा बनाकर आपको हमेशा सेवन करना चाहिए। दोस्तों, आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। आपको 5 से 6 फायदे के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि 5वां और 6ठा जो जानकारी है वो हमारे नौजवानों यानी कि युवा पीढ़ियों के लिए है। तो चलिए फायदे जानते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। गिलोय घनवट्टी और बहुत सारे दुकानों पर मिलने वाले गिलोय का जूस या पाउडर हमारे लिए उतना फायदेमंद नहीं होता कि ये जितना कि अपने हाथों से तैयार किया हुआ गिलोय का जूस और पाउडर फायदेमंद होता है, क्योंकि जो बाजार से मिलते हैं उनमें केमिकल्स मिलाए जाते हैं और ये फायदे करने के बजाय उल्टा नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए हम प्रयास करें कि अपने हाथों से तैयार किए हुए गिलोय का जूस और पाउडर ही इस्तेमाल करें। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको गिलोय का काढ़ा कैसे बनाना है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसके कौन कौन से वो जबरदस्त फायदे हैं। तो काढ़ा बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको गिलोय का स्टीम यानी कि तना ले लेना है और इसके पत्तियों का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। आप जब इसके तना को यानी कि जड़ को ले लें तो आप इसे अवाम दस्ते यानी कि खरड़ में, जो कि पत्थर का होता है जिस पर हम अपने घरों में मसाले पीसते हैं, उस पर आपको इसके जड़ को बहुत ही अच्छी तरह से कूट लेना है। उतना करने के बाद आप इसे 1 गिलास पानी लेकर और इस पानी में 20 से 30 ग्राम गिलोय के पेस्ट को मिला लें और किसी कंटेनर में यानी कि बर्तन में रखकर इसे आप उबाल लें। आपको तब तक उबालना है जब तक कि ये 1 गिलास पानी आधे गिलास में ना बन जाए। दोस्तों ये काढ़ा बिल्कुल जबरदस्त होने वाला है। इसके बाद आपको छन्नी की सहायता से छान लेना है। अब आपको इसके सेवन करने के बारे में बता देता हूँ। तो आपको इसका सेवन करना है सुबह खाली पेट, यानी कि जब आप फ्रेश हो जाएं तो फ्रेश होने के बाद से 1 गिलास की मात्रा में गुनगुना पानी पी लें। पानी पीने के बाद आप इसे गिलोय के काढ़े को पी जाएं। दोस्तों इसे हर व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है, बच्चे, बूढ़े, नौजवान या बीमार हो या कोई दवाई लेता हो या किसी प्रकार का कोई मरीज हो, इसे हर प्रकार के व्यक्ति ले सकता है, जिससे कि आपके शरीर की एक अंदर की इम्यूनिटी होती है वो बिल्कुल मजबूत हो जाती है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसका मात्रा और फायदे के बारे में। तो मात्रा आपको आधे गिलास जो तैयार किया हुआ है उतना ही रखना है। कोई इसका इस्तेमाल बच्चे, बूढ़े, नौजवान कोई भी कर सकता है। तो दोस्तों चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके फायदे के बारे में। सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम, मौसम चेंज होने की वजह से ये समस्या हो जाती है तो वो बिल्कुल ठीक कर देगा। दोस्तों इस काढ़ा का इस्तेमाल करने के बाद से आपको जिंदगी में कभी नहीं होगा। अगर कभी भी हो भी गया तो मात्र 10 से 15 मिनट में आपको इन सारी समस्याओं से बहुत ही आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों गिलोय का सेवन आप अपनी पेट की कब्ज और गैस की समस्या को जड़ से खत्म करने में कर सकते हैं। इसके लिए आपने जो गिलोय का जूस तैयार किया हुआ है यानी काढ़ा तैयार किया हुआ है उसमें आपको मात्र थोड़ी सी मात्रा में गुड़ का सेवन करना है। आप इसमें गुड़ मिला लें और गुड़ मिला के अगर आप इसका सेवन करेंगे तो आप अपने पेट की गैस कब्ज की समस्या से बहुत ही आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इसमें चोट, मोथा, अतिश और गिलोय के काढ़े में इन सारे चीजों को मिलाकर और आप इसे उबालकर पीते हैं तो आपकी पेट से अपच, पाचन शक्ति का कमजोर होना इत्यादि सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों आजकल के जो युवा पीढ़ी में समस्या है वो कि कहीं बाहर जाते हैं और कुछ भी खाना खा लेते हैं जो कि उनके पेट में हजम नहीं होता और साथ ही साथ वो हमारे पेट के अंदर गैस और कब्ज की समस्या पैदा कर देता है। आप सबको पता होगा कि लंबे समय से पेट में गैस और कब्ज बनना आगे चलकर ये बवासीर का रूप ले लेता है। तो आप अगर बवासीर की समस्या से बहुत ही ज्यादा परेशान है, आप इसमें हरड़ लें और गिलोय और धनिया को बराबर मात्रा में लेकर और इसे 1/2 लीटर पानी में उबाल लें। उबालने के बाद से जब इसका 1/4 भाग खोलकर काढ़ा बन जाए तो इसे उतार कर और इसमें गुड़ डालकर और अगर आप सुबह शाम इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बवासीर जैसी गंभीर समस्या से बहुत ही आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपके शरीर में एनीमिया का कमी है यानी कि खून की कमी है तो ये गिलोय आपके शरीर के अंदर एनीमिया की मात्रा को बिल्कुल भरपूर भर देता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको इस्तेमाल करने हैं गिलोय का काढ़ा। आप एनीमिया की समस्या को दूर करने के लिए पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पत्तों से बेहतर रहेगा इसका काढ़ा। इसके लिए आप इस काढ़े का इस्तेमाल करें, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। गिलोय खून की कमी को दूर करने में सहायक होता है। अगर आप इस
इसमें घी और शहद दोनों साथ में मिलाकर और अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपके शरीर के अंदर से खून की कमी की समस्या दूर हो जाती है। दोस्तों इसके बाद से जो फायदा है वो है हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी को बूस्ट कर देता है। आजकल आपने सुना होगा जो कि कोरोना वायरस, यानी कि अगर आप किसी भी प्रकार के वायरस से अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको रोजाना इस गिलोय के काढ़े को सेवन करना होगा। आपके शरीर के अंदर की इम्यूनिटी बिल्कुल बूस्ट कर देता है। अगर आप कोरोना वायरस से संक्रमित भी हो जाते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा और बिल्कुल ठीक हो जाएगा, साथ ही साथ आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगा। दोस्तों इसके बाद से जो अगला फायदा है वो है आपके शरीर में हड्डियों में जो दर्द होता है वो बिल्कुल जड़ से खत्म कर देता है। हमारे नौजवानों में जो कैल्शियम की कमी होती है, बहुत से ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कि दूध नहीं पीना चाहते हैं। दोस्तों अगर आप दूध का सेवन नहीं करेंगे तो आपके शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी हो सकती है और जब कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर के अंदर जो हड्डी है वो बिल्कुल कमजोर हो जाएगा, साथ ही साथ आपकी हड्डियों में दर्द होगा, हड्डियों में सूजन होगा। तो इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आप गिलोय का काढ़े का सेवन करें। इसके बाद से हम जानेंगे कि हम अपने सर के दर्द को कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों जो हमारे शरीर के अंदर माइग्रेन की समस्या होती है वो क्रिएट हो जाती है जब हम कभी ज्यादा टेंशन में होते हैं या ज्यादा तनाव में होते हैं। दोस्तों आप जब भी ज्यादा तनाव या टेंशन में हो तो आप क्या करें, आप गिलोय के काढ़े का सेवन करें और आप साथ ही साथ अपने माइंड को बिल्कुल फ्री रखें। ऐसा करने से आपके शरीर के अंदर तनाव, माइग्रेन की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर आपके पेट के अंदर कुछ भी भोजन करते हैं और वो बिल्कुल पच नहीं पाता है या आपको ज्यादा धूप लगता है उसके बाद से आपकी पेट खराब हो जाती है तो इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आप गिलोय के काढ़े का सेवन कर सकते हैं। इसके बाद से अगर आपको दांतों की दर्द में समस्या है, मुंह से बदबू आता है, दांत के ऊपर काली पीली परत जम चुकी है तो इन सारी समस्याओं से भी निजात पाने के लिए आप यहाँ पर गिलोय का काढ़े का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों और भी बहुत सारे गिलोय के फायदे होते हैं। तो दोस्तों हमारी जानकारी यहीं तक। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बच सके और अपने शरीर को बिल्कुल हेल्दी हष्ट पुष्ट बना सके और साथ ही साथ अपने इम्यूनिटी को बिल्कुल बूस्ट कर सके। तो दोस्तों हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।